पूरे देश में लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में हर किसी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन कोरोना महामारी के इस भयावह दौर में सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सराहनीय काम किया है बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मनमानी एक्शन लेने पर भी लगाम लगाने का साहसिक कदम उठाया है। आज दिए अपने इस फैसले के जरिए सर्वोच्च अदालत ने माना कि सोशल मीडिया एक दूसरे की मदद का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, लिहाजा इस पर शिकंजा कसना गलत है। अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज करता है तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक बड़े झटके के रूप में समझा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अमेठी के एक युवक ने सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ये लोग बेखौफ होकर मदद की गुहार लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी है कि ऐसे किसी भी मामले में अगर कोई भी कार्रवाई हुई तो कोर्ट की वो अवमानना मानी जाएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।